Starting with the name of Allah the Most Merciful. Uh, today we are going to write sentences. So take out your literature's copy uh, and draw the margin line. Okay, you have to write classwork, date, and date. Today is 27th of April 2021 and the day is Tuesday. Write the name of your reader, The Flying Carpet. मेक अ कॉलम वर्ड एंड सेंटेंस और जब भी आप सेंटेंसेस का कॉलम बनाते हैं ना तो मेक दरमियान में लाइन मत लगाया करें क्योंकि सेंटेंस बड़ा होता है ना सो so, इस कॉलम में जहाँ पे वर्ड लिखते हैं उसको थोड़ा सा नैरो बनाया करें थोड़ा सा तंग बनाया करें और जो जहाँ सेंटेंस लिखना होता है उसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाया करें सो द फर्स्ट वर्ड इज़ होल होल कहते हैं सुराख को ठीक है सो लेट्स मेक अ सेंटेंस ऑफ होल दैट जैकेट में सुराख है फॉर एग्जांपल मेरी जैकेट में सुराख है सो so, हम उसको क्या बनाएंगे माई जैकेट हैज़ अ होल इन इट नेक्स्ट वर्ड इज न्यू न्यू कहते हैं नए को So, इसका हम बनाते हैं आई हैव आ न्यू बैग मेरे पास एक नया बैग है शॉपिंग शॉपिंग कहते हैं जो हम ख़रीदी हुई चीज़ें लाते हैं उसको भी शॉपिंग कहते हैं और शॉप चीज़ें खर, ख़रीदने जाने को भी शॉपिंग कहते हैं ठीक है सो so, इसका हम बनाते हैं आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूं ओल्ड ओल्ड कहते हैं पुराने को ठीक है जैसे न्यू है नया ओल्ड मीन्स पुराना सो ओल्ड एस आई एम सेवन इसका मतलब ये है कि मैं सात साल का हूँ यानी मैं सात साल पुराना हो गए ना अब आप सेवन ईयर्स पहले के हो गए हैं ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ डर्टी डर्टी मीन्स गंदा नेक्स्ट वर्ड इज़ बीट बीट मतलब मारना बिफोर बिफोर मतलब पहले सो so, अब आपने फाइव वर्ड्स के सेंटेंसेस फ़ोर के मैंने आपको बता दिए अब ये थ्री वर्ड्स के सेंटेंसेस आपने ख़ुद बनाने हैं ठीक है सो दिस इज़ योर यू कैन से आपने उसी के नीचे बनाने हैं लेकिन ये आपका क्लास वर्क ही है यू हैव टू कंप्लीट जैसे आपने देखी ये सेंटेंसेस हैं ना इसी को आपने यहाँ पर अगले जो थ्री सेंटेंसेज हैं यू हैव टू मेक इट योर ओके अल्लाह हाफ